वेरी गुड मॉर्निंग. करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग रेडियस आर, डिस्टेंस एक्स पे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाय टू. फील्ड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर. सेंटर पे मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए एक्स का वैल्यू जीरो, तो आएगा म्यू नॉट आई बाय टू आर. लेकिन अगर टर्न ज्यादा होंगे तो इंटू एन भी कर देना, यहां भी इंटू एन कर सकते हो फॉर मोर देन वन टर्न. चलिए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाया था आपको कि अगर एक स्ट्रेट वायर को सिंगल लूप में बेंड करने पहले तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे था बी, और फिर उसी वायर के अगर हम एन टर्न्स दे दें, एन आइडेंटिकल टर्न्स, सर्कुलर क्वाइल बना दें, तो मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम्स हो जाता है, याद हो गया होगा आपको, एन स्क्वायर टाइम्स. तो यही क्वेश्चन है कि पहले वायर एल का जो मैग्नेटिक फील्ड था तब था इक्वल टू बी एल, फिर उसका क्वाइल बना दिया और नया मैग्नेटिक फील्ड था BC, तो BL is to BC का रेशियो क्या हो, क्वाइल का मैग्नेटिक फील्ड डिनोमिनेटर में लिखना है 1 by n square, है ना, सिंपल है. 2019 में क्वेश्चन आ चुका है 1 by n square, नोट करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल, बहुत बार हो गया है, ठीक है, याद रहेगा. अब एक ना हमने स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला था यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ. तो मैंने फील्ड आपको जो फॉर्मूला दिया था म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर, वो वायर के ना बाहर था, सर्कल का था म्यू नॉट आई बाय टू आर सिंगल रिंग, और स्ट्रेट वाले पार्ट का था फील्ड म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर, उसमें पाई लगाना पड़ता है. लेकिन अगर ना वायर बेटा थिक हो, वायर अगर मोटी हो और हमसे पूछा जाए कि अंदर भी निकाल के बताओ फील्ड कितना होगा, तो वो जो हमने एक क्लोज पाथ लिया था वायर के बाहर की तरफ, वो इस बार वायर के अंदर ड्रॉ करना पड़ेगा. और अंदर से आप नोटिस कर रहे हैं ये सारा ग्रीन वाला करंट है, बट ये जो हमारा क्लोज पाथ है उसने पूरा ग्रीन एनक्लोज नहीं किया, यानी सारा करंट एनक्लोज नहीं. तो जैसे जैसे आप इस रिंग को जो अंदर ड्रॉ किया छोटा 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 और छोटा करते जाओगे, अंदर वाले रिंग को एज यू कीप ऑन डिक्रीजिंग इन रेडियस, जो वो करंट एनक्लोज्ड है वो छोटा नहीं होता जाएगा और कम और कम और कम, तो और बिल्कुल सेंटर पे पहुंच जाओगे तो करंट एनक्लोज्ड इज जीरो. तो लिखना होता है ना म्यू नॉट आई टाइम्स करंट थ्रेडिंग, तो करंट जो एनक्लोज किया वो कम होता का चला गया और कम और कम, और जब सेंटर पे पहुंच जाओगे तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो. जैसे जैसे रिंग को बड़ा करेंगे यू आर इनक्लोजिंग मोर एंड मोर ऑफ करंट, फील्ड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. अब डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा आपको, सिर्फ फॉर्मूला लर्न कर लेना. डेरिवेशन में सिंपल ही वैसे तो हमने ना इसको सर्कुलर पाथ के लॉन्ग ना किया था इंटीग्रेट मैग्नेटिक को, और वो आया था बी इंटू टू पाई आर, बीडीएल करके ऐड करते चले गए थे, बी इंटू टू पाई आर आया था. अब करना क्या है कि मान लो ना ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, ये लेटस से स्मॉल आर है, तो बी इंटू टू पाई आर करोगे ना वो आएगा म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग, तो टोटल करंट था तो आई, और वो पूरा एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर में से पास हो रहा था पहले सारा ग्रीन वाला, और यहां पे कितना एरिया एनक्लोज्ड है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, अंदर वाले पार्ट का रेडियस पाई पाई कैंसिल, एक आर से एक आर भी कैंसिल, सही है. तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय टू पाई नीचे गया, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर नहीं आ जाएगा, और ये सारा कांस्टेंट है, तो बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
आर हो जाएगा, इज इट क्लियर? और डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर आप कैसा होता है, कई बार कर लिया आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन फर्स्ट पावर स्ट्रेट लाइन, तो बेटा स्ट्रेट लाइन आया देखो यार अंदर अंदर, ये अंदर वाला ग्राफ है, बाहर फॉर्मूला था बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर, तो इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन था, इनवर्स प्रोपोर्शन ग्राफ नीचे को आता है, कर्व की फॉर्म में, ठीक है कोई इशू नहीं है। चलो खैर डेरिवेशन तो आनी नहीं एग्जाम में, आपने अंदर अंदर याद करना है बी प्रोपोर्शनल टू आर, बाहर की तरफ बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एक्स्ट्रा मैं इरेज कर रहा हूं, और अंदर अंदर बी प्रोपोर्शनल टू आर, बाहर की तरफ बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यही फील्ड है मैक्सिमम, यहां पे चाहो तो आप म्यू नॉट आई बाय टू पाई कैपिटल आर लिख सकते हो, और जैसे जैसे बाहर को जाओगे बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी फॉर्मूला रहेगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर। चलो अब ये ऐड कर दो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर इन लाइन है विद अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, तो उस वायर का गिवन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो होता है। चलो अब एक क्वेश्चन है जेई 2019 का है क्वेश्चन, 2 मिनट दिए जाएंगे प्लान करने के लिए कि कैसे हो। हाँ जी बताओ जी, इसी क्या होना चाहिए, पहले तो पॉइंट पी पे जो ये वाला करंट है इसका फील्ड किधर को होगा, आउटवर्ड थंब से करंट, फिंगर से फील्ड, आउटवर्ड इसका फील्ड किधर को होगा, इनवर्ड, तो दोनों फील्ड इक्वल एंड अपोजिट भी हैं, डिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। वैसे भी ना जीरो अगर एक ऑप्शन है तो 90% चांस है कि आंसर जीरो है। क्या जीरो समझ आ गया सभी को, जो वायर एक्स एक्सिस के अलोंग है उसका पॉइंट पी पे आउटवर्ड्स, राइट हैंड थंब रूल, थंब से करंट, फिंगर से फील्ड, और जो करंट वाई एक्सिस के अलोंग है उसका फील्ड है इनवर्ड्स, और दोनों फील्ड बराबर के हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अनदर क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करना, समझ आ गया ना, याद रहेगा, कोई इशू नहीं। ये क्वेश्चन आपकी बुकलेट में है, बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 17, कोई बच्चा पेज नंबर बोल दो बस, बाकी छोड़ो मेरे, एक बच्चा पेज नंबर बोलो, कौन सा पेज, 95, पेज 95 पे है, यहीं से पढ़ लेते हैं। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स ए ओ बी एंड सी ओ डी आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, वायर ए ओ बी कैरीज करंट I1 और सी ओ डी में करंट है I2,
द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ पॉइंट लाइंग एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ओ इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर्स ए ओ बी एंड सी ओ डी विल बी गिवन बाय, ऐसे टेबल्स पोज कर लेते हैं, दोनों वायर्स ए ओ बी सी ओ डी वो टेबल पे है एंड टेबल इज देयर कॉमन प्लेन जिसमें दोनों वायर लाई चलती हैं, उस प्लेन से हमें ऊपर को जाना है परपेंडिकुलर, ये ए ओ बी सी ओ डी और यहां से टेबल से डिस्टेंस बी से ऊपर को उठना है, ऐसे ये है पॉइंट हमारा जहां पे फील लेगा, पहले डायग्राम समझ आ गया ठीक है, अब सोचने के लिए एक मिनट सोचो। तो लगाया हमने राइट हैंड थंब रूल, ग्रिप रूल भी कहते हैं, वायर को अपने राइट हैंड में होल्ड करना है, थंब पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पहले ए बी के अलोंग थंब रखोगे तो फील्ड आएगा इधर को, इज इट, देखो सही ड्रॉ किया मैंने, इधर को ही आएगा ए बी का फील्ड, रेड वाला रेड फील्ड, ब्लैक वाला फील्ड जो है करंट जो है वो सी डी के अलोंग और फील्ड होगा टूवर्ड्स एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस, ये ब्लैक वाला फील्ड है। अब ये दोनों फील्ड कितने एंगल पे हैं, 90 पे, यू नो व्हाट टू डू, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस, इनमें से पाइथागोरस कौन सा है, सेकंड वाला, तो वही आंसर है, चेक कर लो तो सेकंड आंसर दिया हुआ है, स्क्वायर सॉरी स्ट्रेट लाइन और सर्कल का कॉम्बिनेशन, ये याद है आपको डायग्राम, ये वाला ऐसा किया था केस हमने, स्ट्रेट पार्ट का और सर्कुलर पार्ट का फील्ड एक ही डायरेक्शन में है या अपोजिट सेंटर पे, स्ट्रेट पार्ट में करंट इज टूवर्ड्स राइट, सेंटर ऊपर है तो फील्ड किधर को होगा, करंट फील्ड आउटवर्ड्स, और सर्कल में करंट है क्लॉकवाइज, उसका फील्ड है इनवर्ड्स, तो दोनों फील्ड्स अपोजिट, तो माइनस कर देने हैं, यही डायग्राम अगर ऐसे हो, यहां से करंट गया और इधर आ गया बेटा, अब ऐड होंगे, एक ये फिगर देखो जरा, सबसे पहले इस पार्ट का फील्ड यहां पे क्या होगा, जीरो होगा, इन लाइन है ना, सर्कल का ये कितना फ्रैक्शन है, 3/4, तो सर्कल के फील्ड का 3/4, सर्कल वाला फील्ड किधर को होगा, इन के आउट, इनवर्ड्स इनवर्ड्स होगा, करंट क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज वाला फील्ड इनवर्ड्स, अब रह गया स्ट्रेट पार्ट का फील्ड, ये तो बच जाना है नीचे, इसका फील्ड पहले तो किधर को होगा, आउटवर्ड्स, यानी उल्टे हो गए दोनों, माइनस करने पड़ेंगे, दूसरी बात जो स्ट्रेट पार्ट का फील्ड है ना वो अब आएगा म्यू नॉट आई बाय 4πr, पहले 2πr लिखते थे, वो 2πr तब लिखते थे जितना कंट्रीब्यूशन इस पार्ट का है ना यहाँ पे फील्ड में, उतना ही इस पार्ट का भी था, बट ये वाला पार्ट तो गायब, तो आधा रह जाएगा ना, म्यू नॉट आई बाय 2πr का हाफ करो, ये नहीं आना बस, तो बाय 4πr आएगा, तो फील्ड हुआ 3/4 ऑफ अ सर्कल एंड हाफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, डिड यू गेट दिस पॉइंट, दोबारा सर्कल का ये 3/4 है, मैंने उस दिन ना पिज्जा वाला एग्जांपल दिया था कि पिज्जा के हमें
ऐसे ना फोर पीस करके दे देते हैं ना वो, ये वाला पीस खा लिया किसी ने पहले रास्ते में, तो चार पीस थे, हमें मिले तीन पीस, तो हम बोलेंगे पिज्जा वाले को भी डिलीवरी बॉय ने तो 3/4 डिलीवर किया। देखो समझे, तो सर्कल का 3/4 है ही, तो सर्कल वाले फील्ड का करेंगे 3/4 डन। और ये स्ट्रेट पार्ट का फील्ड था, लेकिन स्ट्रेट लाइन भी आधी ही है, इधर इधर वाली है, इधर वाली नहीं है, तो स्ट्रेट पार्ट का यानी कि नॉट आई बाय 2πr का भी हाफ कर दें, और दोनों फील्ड्स डायरेक्शन में अपोजिट थे इसलिए माइनस। ये तो कर चुके हैं पहले भी, दोनों फील्ड कैसे थे डायरेक्शन में, राइट एंगल पे थे, तो वही पाइथागोरस है ना। अच्छा मान लो सर्कल जैसे ये वाला एंगल थीटा मिसिंग है, बाकी का अवेलेबल है, तो अगर जो मिसिंग है वो थीटा है, तो जो बचा हुआ है वो कितना है, जो बचा हुआ वो कितना है, 360 माइनस थीटा, रेडियन में लिखे तो 2π माइनस थीटा, इतना एंगल अवेलेबल है, होना कितना चाहिए था, तो इतना फ्रैक्शन कर दो बेटा पूरे सर्कल का, म्यू नॉट आई बाय 2r को ना फ्रैक्शन जो सर्कल का अवेलेबल है उसमें, तो उतना फील्ड रह जाएगा। अगर सीधा सीधा लिख पाते हो आधा सर्कल 1/4 ऑफ द सर्कल, फिर 1/4 से मल्टीप्लाई करें, गॉट इट। चलो जरा नोट डाउन करो इसको भी, ऐसे वाला केस तो कराया हुआ है ना, जो अंदर वाला पार्ट है उसका फील्ड किधर को होगा, इनवर्ड्स, बाहर वाले का आउटवर्ड्स, स्ट्रेट पार्ट का, स्ट्रेट पार्ट का यहाँ पे 0, तो दोनों फील्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी सर्कल है, तो सर्कल वाले फील्ड का हाफ करो, यानी म्यू नॉट आई बाय 4r, पाई पाई ना 4r, तो म्यू नॉट आई बाय 4r, एक बार r1 एक बार r2, रेडियस कम होगा तो फील्ड ज्यादा होगा, रेडियस डिनोमिनेटर में है ना, तो छोटे वाले फील्ड में से यानी कि r1 वाले फील्ड में से r2 वाला माइनस करो, गॉट इट, ये भी ऐड कर दो जरा। क्वेश्चन नंबर 110 है आपके बुकलेट में, है ना क्वेश्चन ही वाला, डायग्राम से दिख जाएगा फट से, बिल्कुल एंड की तरफ है, लास्ट क्वेश्चंस में है। तो एक हेयर पिन, लड़कियां जल्दी कर देंगी आज इस क्वेश्चन को, उसमें करंट चल रहा है, तो इसमें दो स्ट्रेट वायर है और एक एक क्या है, सर्कल है, सर्कल कहाँ है, सेमी सर्कल है, इधर भी डिजाइन मत डालो बेटा, सेमी सर्कल, सिंपल हेयर पिन है, तो पॉइंट पी पे फील्ड निकालना है, करो ट्राई, हो जाना चाहिए। टाइम अप, सेकंड ऑप्शन, ठीक है समझ आ गया सभी को। देखो सेमी सर्कल का तो म्यू नॉट आई बाय 4r आएगा। अच्छा अब ये भी देखना है कि सारे फील्ड एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं, सेम डायरेक्शन में है, स्ट्रेट पार्ट का, अपर स्ट्रेट पार्ट का फील्ड इनटू सर्कल में करंट क्लॉकवाइज, वो भी इनटू लोअर पार्ट का करंट लेफ्ट को है, लेफ्ट को रखेंगे थंब,
उसके अपने सारे फील्ड इनटू, सारे फील्ड अंदर अंदर को है। अब आधे स्टेट पार्ट का फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाय 4πr, और एक और आधा है, ये दोनों स्टेट पार्ट के फील्ड आ गए, और सर्कल का फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाय 2r। तो हमें म्यू नॉट आई बाय 4πr कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे 4π है नहीं, तो आप ना यहाँ पे 4 आ रहा था, पाई से मल्टीप्लाई कर लो, पाई से डिवाइड कर लो, और म्यू नॉट आई बाय 4πr निकालो कॉमन, 1 + 1 + 5। क्या क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, फिर हमने एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करते हुए दूसरा फील्ड निकाला था स्ट्रेट सोलेनोइड का, जो कि था म्यू नॉट एन आई, ठीक है बेटा, म्यू नॉट एन आई अगर अंदर से सोलेनोइड खाली है, यानी वैक्यूम है, अगर कोई मीडियम है तो फिर मीडियम की परमिबिलिटी लिखनी पड़ेगी म्यू इंटू एन आई, और एंड पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट था, क्या था, बाय टू करना है, और एक हमने किया था टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट एन आई, और बाहर फील्ड यहां पे जीरो था, बी जीरो, यहां भी बी जीरो, सिर्फ अंदर जो टॉरेंस के वॉल्यूम है वहां पे फील्ड होगा। चलो पहले जरा नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में है 1000 टॉरेंस पर मीटर, वो हो गया स्मॉल एन, करंट दिया है 5 एम्पियर, और आपको ना बी निकालना है बेटा, अगर तो अंदर से होता सोलेनोइड खाली, फिर ये फॉर्मूला रहता है, बट यहां पे ना अंदर एक कोर दिया है सोलेनोइड के, सोलेनोइड को एक रॉड के ऊपर वाइंड किया हुआ है, बात समझ में आई बेटा? तो अगर कोई बीच में मीडियम भी होगा साथ में ना, तो हमें यूज करनी पड़ेगी परमीएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था ना, परमिटिविटी रिलेटिव इनटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, याद आया? यहां भी ऐसी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, आगे सेम ही रहेगा, तो हमें म्यू आर यानी 500, म्यू नॉट यानी 4π 10⁻⁷, 1000 टर्न्स पर मीटर, करंट 5, बस इसको सॉल्व करना है। क्या समझा गया सभी को? जो हमने वायर किया था ना बेटा, वो वायर ना इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक था, क्यामत से क्यामत तक। क्यामत से क्यामत तक, इनफाइनाइट, और फील्ड आया म्यू नॉट आई बाय टू आर, बट अगर वायर बेटा सिर्फ इतनी ही हो, इधर को भी इतनी, फील्ड कम हो गया, इधर को बना एंगल फाई वन और इधर को एंगल बना फाई टू, पहले ये डेरिवेशन भी सिलेबस में हुआ करती थी, बट अब नहीं है, भगवान का शुक्र है, लंबी है बहुत।
तो फॉर्मूला क्या करना है आपने, बता यहां पे पाई। अब फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई बाय फोर पाई आर। फोर पाई आर क्यों लिखा, क्योंकि हम एक बार में ना आधी वायर को सॉल्व करेंगे। इधर का आधा कितने एंगल तक गया, फाइव वन तक, इधर वाला आधा, तो मैं फिर दोनों को प्लस कर लूंगा, तो म्यू नॉट आई बाय फोर पाई आर निकल आएगा बाहर। अब यहां पे आपको ना साइन ऑफ फाइव वन लेफ्ट हैंड साइड के लिए और साइन ऑफ फाइव टू राइट के लिए लिखना पड़ेगा और दोनों को ऐड करें। अच्छा मेरी एक बात बताओ जरा, और अगर ये यहां तक ना होके ना क्यामत तक होता, वो बहुत दूर तक, तो एंगल कितना बनता फाइव वन, सोचो सोचो फाइव वन कितना होता 90 और फाइव टू क्या होता, उधर को भी क्या बात 90 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
आर, और अंदर ब्रैकेट में क्या मत हटाओ, साइन फाइव वन और उधर साइन फाइव टू, फाइव वन फाइव टू तो की है बस, फॉर्मूला याद हो गया। तो फाइनाइट वायर का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर साइन ऑफ फाइव वन साइन ऑफ फाइव टू, क्लियर। अब मान लो एक ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे, यू नो सेंट्रोइड पे फील्ड निकालना, ट्रायंगल की साइड भी फाइनाइट थी, तो ऐसे करते हैं सबसे पहले एक फील्ड निकालते हैं, मान लो ट्रायंगल का साइड है ए, तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ ए बाय टू, और ये एंगल कितना है 30। बेटा एंगल है 30 और ये है ए बाय टू। आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस पता हो, हाइपोटेन्यूज निकालना, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कौन सा टी रेशो, कॉस, कॉस 30 कितना होता है बाय टू से बाय टू बाय बाय, एच निकालना था हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, बेटा लेंथ के सामने लेंथ आएगी, लेंथ इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ, ऐसे कैसे। चलो अब परपेंडिकुलर भी निकाल के दिखाओ, परपेंडिकुलर बाय बेस के हो गए टेन, टेन थर्टी कितना हो गए वन बाय रूट, इसको उठा के ऊपर पटको आंसर आ जाएगा ए बाय, ए बाय टू रूट, करेक्ट। देखो ठीक लिखा बेटा, ए बाय टू रूट, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करेंगे। पी हटा देते हैं, आपको साइन निकालनी आ गई। अब हमें दो एंगल पता करना, ये वाला और ये वाला, वो थे ना फाइव वन फाइव टू, वही वाले, कितने कितने हैं ये 60 60। तो पहले मैं एक पार्ट का फील्ड निकालता हूं, करंट कैरिंग वायर नीचे नीचे, करंट कैरिंग वायर हैविंग करंट आई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट आर, यानी आर यानी ए बाय टू रूट थ्री, एंड फाइव वन फाइव टू इच इक्वल टू 60 60। बात सुनिए,
सो म्यू नॉट आई फोर पाई आर, आर यानी ए बाय टू रूट थ्री, ब्रैकेट साइन 60 कितना होता है प्लस साइन 60, तो टू से ये एलसीएम टू कर लो कैंसिल, ठीक। और टू रूट थ्री आएगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री 6 हो गया, हाँ जी थ्री नहीं, यहाँ वन प्लस वन भी तो पूछा टू है बेटा, रूट थ्री बाहर निकालोगे तो यहाँ वन प्लस वन भी तो बचेगा, तो एक टू भी आएगा यहाँ पे, नहीं चलो कंफ्यूज हो गए, सुनो सुनो रूट थ्री का आधा, रूट थ्री का आधा वो रूट थ्री आ जाएगा अब, ठीक है बेटा आधे आधे दो ऐड करके पूरा हो जाए, रूट थ्री आ गया, इसको ऐसे कट कर लो चल जाएगा, तो हमारा आंसर आया म्यू नॉट आई इंटू थ्री अपॉन टू पाई ए, बट ऐसे ना अपने पास तीन फील्ड है वो तीन जगह नहीं करा, तो इंटू थ्री भी तो करना होगा, तो ये आएगा बेटा बी टोटल, तो नाइन म्यू नॉट आई टू पाई ए, समझे सारे फील्ड की डायरेक्शन में चक्कर, टू और मोर वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन सीधे ऐड हो जाएंगे, बात समझ में आ गई, चलो लिख रहा हूं पहले ये लिखना है फिर ट्रायंगल पे आना है, स्क्वायर के सेंटर पे स्क्वायर की साइड भी ए, तो ये डिस्टेंस क्या होगा ए बाय टू, सही है ये सीधा ही है ए बाय टू, इस पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे फोर से, ट्रायंगल में थ्री से क्या था फोर से, तो फोर इंटू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय फोर पाई आर, आर कितना ए बाय टू, टू पर चला गया साइन 45, साइन 45 वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू एड करोगे क्या आएगा टू बाय रूट टू, और टू बाय रूट टू क्या होता है रूट टू, तो रूट टू इंटू टू इंटू फोर क्या बना एट रूट म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए, वो भी गॉट इट, चलो नोट डाउन करो इसको भी, क्वेश्चन है जे 2019, 2 मिनट टाइम टू कंप्लीट, हाँ जी क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लिख लो मैं अभी स्टॉप वॉच बंद करता हूँ, नोट डाउन कर लेता हूँ।